अरे बबलू ये क्या कर रहा है तू? हम लोग तो चार हैं, तू पांच क्यों लिख रहा है? इसीलिए आदमी का थोड़ा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अरे एक मैं, दूसरा तू, तीसरा चिंटू, चौथा हरबू और पांचवा अपना किशन, हुए ना हम पांच, एक मुट्ठी की पांच उंगलियां। लेकिन बबलू अंगूठा गुल हो गया है, किशन अभी अपनी टोली में नहीं है। सब बोलते हैं कि वो एकदम बदल गया है, इसीलिए तो इतने दिनों से हमारे साथ खेलने भी नहीं आया। देख आ गया अपना अंगूठा। किशन ए किशन, कहाँ था तू इतने दिनों से? बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, इसे बदतमीजी कहते हैं। ये क्या उठपटांग लेकर दीवार खराब कर रहे हो? चिंटू बोल रहा था किशन बदल गया है। इतना फास्ट क्या खुसर फुसर कर रहे हो? तेरा स्टाइल जो बदल गया है। मैंने कहा था ना कि बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। अभी तो एकदम से बड़ा हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करें? ए बबलू दीवार साफ कर दे इसकी, नहीं तो ये हमें मास्टर जी की तरह सिखाने लगेगा। अरे तुम लोग तो नाराज हो गए। खुश होने का कोई काम किया है तूने? चलो रे। मैं शर्त लगाता हूँ तुम लोग जा नहीं सकते। कौन रोकेगा हमको? ये चॉकलेट मीठी होती है लेकिन दोस्ती उससे भी ज्यादा। जब वही खट्टी हो गई तो इसका क्या करेंगे? ना रोटो तुम माफी दे दो, टुकर टुकर क्यों देख रहे हो? एक है हम पांचों की गोटी, हम पांचों है यार लंगोटी। ना रोटो तुम माफी दे दो, टुकर टुकर क्यों देख रहे हो? एक है हम पांचों की गोटी, हम पांचों है यार लंगोटी। इस तरह टहलने से क्या मेरी बेटी घर आ जाएगी? इस शहर में इतने बड़े आदमी हैं आप, नाम है, पैसा है, पहुंच है, फिर कुछ करते क्यों नहीं? पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अरे बहना, मैंने जीजा जी को कितना समझाया कि पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दें। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है बाकी। क्या चाहते हो तुम लोग? अखबारों की सुर्खियों में यह लिखा जाए कि सेठ दुर्गेश महेश्वरी की बेटी एक दो टके के लौंडे के साथ भाग गई, सारे शहर में मेरी इज्जत का तमाशा बने। अरे बांके के होते हुए आपकी इज्जत का तमाशा कैसे हो सकता है जीजा जी? वो लौंडा मेरे आदमियों की तलवार से ज्यादा दूर नहीं। बहुत जल्द उस हराम की जने की लाश आपके कदमों में होगी। बांके, तुम्हारे उन गुंडों को कह देना कि अपने हथियार जरा संभाल के चलाए, क्योंकि उस दो टके के लौंडे के साथ सेठ महेश्वरी की बेटी भी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं काजल, तुम्हारी तस्वीरें इस घर में क्या कर रही हैं? क्या रिश्ता है तुम्हारा किशन से? मुझे खुद नहीं मालूम राजा। नहीं मालूम या बताना नहीं चाहती? तुम होश में तो हो राजा? नहीं हूं, मैं होश में नहीं हूं काजल। सवालों की बर्छियां हैं जो मेरे दिलो दिमाग को छेद रही हैं। किसी करवट चैन नहीं है मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की की खातिर मैंने अपनी मौसी तक गंवा दी, जिसके पागलपन में मैं अपनी जान हथेली पर लिए भागा भागा फिर रहा हूं, वो देखो काजल, इन तस्वीरों का ताल्लुक तुमसे है और तुम्हारा ताल्लुक मुझसे, लेकिन किशन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे पहले किशन को जानती हो, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा और किशन का जायज नाजायज कोने को संबंध है। हाँ संबंध है, हाँ इसका और मेरा संबंध है। और यह भी सच है कि तुमसे पहले मैं इसकी जिंदगी में शामिल था,
उस वक्त से जब इसके हाथों से खिलौने भी नहीं छूटे थे। भैया भैया दिखाइए ना भैया। नहीं प्लीज भैया भैया नहीं। अरे क्या हो रहा है ना भाभी, भैया हमारी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, दिखा दो ना। देखो राधा मेरी बात सुनो, मैं इसे समझा रहा हूँ कि ये तस्वीरें एक बंदरिया की हैं, लेकिन ये मानती ही नहीं। बंदरिया की है तो बंदरिया किसे दिखाई हमें? अगर बंदरिया बुरा मान गई तो ठीक है, मत दिखाइए। क्या क्या कर रही हो भाभी? हाँ तुम चुपचाप खड़ी रहो दो मिनट। खुल जा सिम सिम। भैया अगर आप काशकार ना होते तो बहुत बड़े फोटोग्राफर होते है ना, हर तस्वीर लाखों में एक। और ये बंदरिया करोड़ों में एक। और हमारे भैया भाभी सारी दुनिया में एक। अब आप अपने तौर तरीके बदल लीजिए, भाई बहन तो ऐसे झगड़ते हैं कि पूछो मत। अब ये बच्ची नहीं रही, पूरे 18 साल की हो गई है। क्या ये मेरी पगली 18 साल की हो गई है? अभी तक तो उसके कांधे से बचपना नहीं उतरा, एक हाथ शरारतों ने थमा है तो दूसरा बेवकूफी ने। कौन कहेगा कि ये 18 साल की हो गई है? आप क्या चाहते हैं हम एकदम से सीरियस हो जाएं, एकदम से संजीदा खड़े हो? अरे बाबा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तेरी शौकी तो इस घर का उजाला है, तेरा बचपना इस आंगन की रौनक, और तेरी शरारतों में हम दोनों की जिंदगी सांस लेती है। तिंग 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 तिंग। ये क्या किया भैया, हमारे बाल खराब कर? हमारे बाल खराब कर दिए? स्कूल जाने के लिए मैं ही तेरी चोटियां मनाया करता था, तेरी भाभी बहुत बाद में आई है मैडम। उस वक्त हम बच्चे थे, अभी कॉलेज जाते हैं। ओ गॉड हम तो भूल ही गए हमें कॉलेज जाना था, हम तो चले। ए, जल्दी आना, तेरी बर्थडे की ड्रेस खरीदनी है। जी भैया। हर चीज उसकी पसंद की लाते हो, क्या दूल्हा भी उसकी पसंद का लाओगे? ऑफ कोर्स, जैसा तुमने पसंद किया था अपनी पसंद का दूल्हा। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो, वो आ जाएगी। अरे कोई नहीं आएगा। अच्छा भैया हम चले, बाय। ओके किशन साहब। अरे आओ महेश, बैंक से रुपया लाए हो? आज तो इतवार है। अरे हाँ इतवार है तो ये किरण कहाँ गई? हैप्पी बर्थडे। भैया हमारे गिफ्ट? गिफ्ट तो मैं लाने वाला था लेकिन तुम्हारी भाभी ने मना कर दिया, कहने लगी कि इस बार तोहफा हम दोनों मिल कर देंगे। तो दीजिए हमारा तोहफा। अभी लाई, पैकेज जरा बड़ा है। आइए। सूरज सूरज जी शर्माइए मत। चलो ये लीजिए, कैसा लगा ये सरप्राइज पैक? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू भाभी, आप हमारी जासूसी कर रही थी। भाई जब चहेती ननद इतवार को भी कॉलेज जाना शुरू कर दे तो भाभी को तो शक हो गई। मैंने सोचा जरा पता तो करूं कि ये एक्स्ट्रा क्लासेस कहाँ हो रहे हैं और किस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इश्क के कॉलेज में मोहब्बत का सबक पढ़ाने वाले प्रोफेसर आप ही हैं। देखिए प्लीज आप और कुछ मत कहिए वरना मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगा। नर्वस लगते तो नहीं भाभी, मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। हाँ शर्मिंदगी है तो इस बात की कि आपको पता चलने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए। हमने कितनी बार कहा कि भैया से बात कीजिए लेकिन इनमें हिम्मत कहाँ। चलो हिम्मत हम कर लेते, तुम्हारे डैडी मम्मी से हम बात कर लेंगे। जी वो मम्मी डैडी तो इस दुनिया में नहीं है। हाँ बड़े भैया है। नमस्ते, मुझे चंद्र प्रकाश सानिया कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम किशन बंसीधर है। जानता हूँ भाई, इस इलाके के लोग तो क्या पेड़ पौधे भी आपके गुण गाते हैं। नए नए तरीकों से कम मुद्दत के अंदर
आप फलों की ऐसी फसल करते हैं कि हर साल सरकार आपको इनाम देती है। कहने को तो ये काम खेती बाड़ी का है, छोटा काम है, लेकिन अच्छी खासी जायदाद बना ली आपने। 70 एकड़ जमीन, पोल्ट्री फार्म, खुद की आलीशान कोठी। सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि मैं आपको तब से जानता हूं जब से आपके पिताजी मेरी खेती की मट्टी में गोबर मिलाने का काम करते थे। अब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। जी हाँ, लोग कहते हैं कि जब तक पिताजी आपके बागों के साथ जुड़े रहे, आपके फलों की मांग थी। वो क्या गए कि आपके दरख्तों ने भी दम तोड़ दिया। ठीक कहा आपने, वैसे भी फलों की तिजारत में दिलचस्पी नहीं रही, अब तो ठेका लेते हैं, जंगल के जंगल काट कर बेच देते हैं, यू नो, टिम्बर, लकड़ा, वुड। अब आपकी आरियों में भी जंग लगने वाला है, क्योंकि सरकार ने पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगा दी है। क्या फर्क पड़ता है, अब एक बिजनेस तो है नहीं हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कपड़ों की मिले हैं, 200 ट्रक चलते हैं, दवाई बनाने की फैक्ट्री है, हमारे मजदूरों की मजदूरी इतनी है एक महीने की जो आप जिंदगी भर नहीं कमा सकते हैं। अब माफ करना किशन, मेरा मतलब आपको बेइज्जत करना नहीं था। नहीं चंद्र साहब, मुझे यकीन है कि आप इतने कमजर्फ नहीं हैं कि घर आए हुए मेहमान को जलील करें। आखिर आपके घर के नमक की तासीर मेरे खून में है। ये तो आपकी बेबाकी देखकर ही लग रहा है। ये लीजिए, शरबत पीजिए। चंद्र साहब, मैं आपको अपने यहां आने की वजह बताना चाहता हूं। मेरी बहन किरण और आपका भाई सूरज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मैं इस मोहब्बत को रिश्ते का नाम देना चाहता हूं। मुझे यकीन है अपने भाई की खुशी के लिए आप इनकार नहीं करेंगे। किशन बाबू, हमने सोचा था कि हमारे बर्ताव से आप मकसद की बात किए बिना ही चले जाएंगे, लेकिन सच कहा आपने, हमारे नमक की तासीर ने आपको इतना हौसला दे दिया कि आप रिश्ते की बात करने के लिए रुक ही गए। तो आप सुन,